मंगल भवन अमंगल हारी। श्री राम मुलख प्रभु जी जग सुखकारी। 81 छह मास व्यतीत होने पर श्री महाप्रभु का समाधि से उत्थान। समय बीतन में देर न लाए, होने को छह मास थे आए। योगी पास तब राम पधारे, जिसने भेद कहे थे सारे। जाकर प्रश्न राम ने कीना, जिसका उत्तर योगी दीना। महाप्रभु कब समाधि खोलें, निज मुख से फिर हमसे बोलें। दिन सातवें प्रभु उठ पावें, योगी मुख से यह फरमावें। राम भय मन फुल्लित भारी, योगी की सुन बात यह सारी। एक जिज्ञासा राम प्रकटावें, सेवा प्रभु की क्या कर पावें। योगी ने तब उत्तर दीना, क्या मानुष तुम प्रभु को जीना। शिव अवतारी महाप्रभु, क्या करोगे सेवा। उनके आश्रय जग बसे, समझो तुम यह भेव। समाधि से जब हम उठें, हमें न होता कष्ट। वे तो खुद भगवान हैं, जानो बात स्पष्ट। राम भाव योगी का जाना, आसन लौटे मन अनुमाना। दिन सातवें प्रभु उठ जावे, मुझको सेवा में रत पावे। सदगुरु कृपा जिस विद पाऊं, सकल कर्म में वही कमाऊं। राम सोच यह प्रभु डिंग बैठा, मन का खेद सकल था नैठा। प्रभु मिलन का चाव जो भारी, खिन्नता हर ली उसने सारी। त्राटक प्रभु के तन पर लागा, भाव अलौकिक मन में जागा। प्रभु के तन को देखे ऐसे, चांद को चकवा निरखत जैसे। एक बात प्रभु तन पै पाई, उस पै सूजन कुछ थी आई। गांठे गुरु तन पै पड़ी, देखे राम सभीत। मन में सोच यह उपजी, सेव करूं किस रीत। सेव करूं किस रीत में, जिस विध रोगन शाय। अंतर्यामी राम जी, शिष्य का प्रेम दिखाए। राम ने मन में तब अनुमाना, रक्त कफ का भया संचाना। तैलाभ्यंग की सेवक माऊं, स्वस्थ प्रभु का तन तब पाऊं।
संचित राम तब कीनी औषध। तैल निकाला उनका बहुविध, प्रभु तन पर तब मलने लागे। शिव देह ही जो समाधि पागे, मलने से न गांठे लोपी। वे तो देखो और भी कोपी, औषध तब उन दूजी लेनी। मालिश उससे भी फिर कीनी, हुआ न उसका जब प्रभाव। जागे राम के मन तब भाव, यह है ना कोई रोग विशेषा। अद्भुत कर्म प्रभु का देखा, देख प्रभु का कौतुक। राम भय नत मात, सन्मुख फिर आ बैठे। बांधे वे निज हाथ, देख देख कर कौतुक भारी। नतमस्तक थे राम पापारी, पूर्ण गांठों से काया सारी। व्रणाच्छादित जैसे भारी, राम सहाय क्या कर पाए। वहां तो था ना कोई उपाय, योग की माया योगी जाने। अथवा शरणागत पहचाने, राम ने प्रभु की शक्ति जानी। प्रभु की ही सब इच्छा मानी, बैठ प्रभु को तब वे देखें। उनके अद्भुत रूप को पेखें, क्षण क्षण रूप बदलता दिखे। बाल युवा व वृद्ध सरीखे, महाप्रभु की ऐसी माया। अनेक रूप है उनकी काया, रूप अनेकों देखते। बीत गया सब काल, प्रभु ने नैन उगाड़े। काल के जो महाकाल, तुरत राम ने दंडवत कीना। आशीष दिव्य प्रभु कालीना, ऋषि मुनि तब आने लागे। प्रभु दर्शन के जो अनुरागे, भिन्न दिशों से बहुविध आवे। कंद मूल फल भेंटे लावे, चलते चलते कई थे आते। जय जयकार की रटन लगाते, गगन मार्ग से कई पधारे। दिव्य पुष्पों की माला धारे, प्रभु पूजा हित पुष्प थे लाते। चरणों में जो आन चढ़ाते, उनका प्रेम कथा न जाए। तीव्रता तन सुधी भुलाए, प्रेम का ऐसा तीव्र वेग। लोकोत्तर यह योग संवेग। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय। शरणम व्यासी मन महेश पर्वत पर श्री प्रभु जी का
श्री महाप्रभु जी के साथ आकाश मार्ग से गमन। जगत ने देखा ना कभी छोड़ शलभ का प्यार, सदगुरु चरणों की लगन जो थी प्रभु के द्वार। कर दर्शन सब मुनि सिदाते, प्रभु की शिक्षा भी सुन पाते। दो दिन पूरे ताना बाना था मुनियों का आना जाना, दिन तीसरे प्रभु फरमावे राम चलो संग हम ले जावे। एक महात्मा है यहाँ रहता, देह त्याग की इच्छा वहता, सिमरन उसने है कर पाया, चलने का है चित में आया। राम उठे सुन प्रभु आदेश, विचार किया ना मन में लेश। सदगुरु को जो अर्पे चित, विचलित होए ना किसी निमित्त। सदगुरु का वह संग ना त्यागे, अहर्निश उनकी चरणी लागे। अंतर्यामी महाप्रभु ले राम को साथ, ऋषि मिलन को चल पड़े ग्रह गगन का पाथ। वायु मग में वेग से चाले, राम का कर महाप्रभु संभाले। दृश्य अनेकों मग में आए, नेत्र राम के ना खुल पाए। प्रभु जी राम को कह जतलावे, लौटत बार हम सब दिखलावे। मन महेश पर्वत तब आया, मुनि ने आसन वहां लगाया। मुनि समूह प्रभु पग था ताके, उतर गए प्रभु उस जा आके। आगे हो प्रणाम सब कीना, सुंदर आसन प्रभु को दीना। सब जन को प्रभु ने बिठलाया, प्रश्न मुनि से फिर कर पाया। देह त्यागन की मन तुम आनी, कर्म सकल की हुई क्या हानि। कर्म का क्षय बिन कीने, छोड़े नर जो देह, देही पुनः देह पाए इसमें ना संदेह। बैठ ध्यान में लो तुम जान, बीते जन्मों का सब ज्ञान। कर्म जो होवे कुछ भी शेष, त्यागो ना फिर प्राण अशेष। सुनकर प्रभु की गुप्त यह बात, बैठ किए उस कर्म साक्षात। कर्म पुराने सन्मुख आए, अभी तलक जो कट ना पाए। शुभ अशुभ कुछ कर्म थे बाकी, जिनकी देखी उसने झांकी। महाप्रभु को सब बतलाया, सुनकर मुनि को उन समझाया।
अभिना त्यागो नर देह भाई। मुक्ति ऋषियों ने जहां पाई, रह इसी में योग संभालो। शुद्ध परम हो मोक्ष को पालो। प्रभु के सुन आदेश को, मुनि ने जोड़े हाथ। प्रभु आज्ञा शिर धार्य है, तन ना दे पर साथ। जीर्ण भया है तन यह मेरा, आदेश किमी मैं पालू तेरा। साधन धर्म का देह कहा है, उसका देखो हाल अब यह है। जन्म पुने में भले ले पाऊं, इस तन को मैं किमी टिकाऊं। मुनि की देख विवशता भारी, दिव्य दृष्टि प्रभु ने तब डारी। जीर्ण देह कांचन मय कीनी, सदगुरु महिमा सब ने चीनी। वृद्ध विकल था जो अति दीन, उसकी काया भई नवीन। देह नूतन इस भव में पाई, कैसी सदगुरु की प्रभुताई। योग शक्ति से क्या ना होवे, गुरु योगी भव मल को धोवे। नूतन तन को जन गहे, इस तन को ही त्याग। मुनि पाया इस जन्म में, अपर जन्म का भाग। नूतन तन को पाय कर, प्रभु सेवा उसकीन। ऋषि मुनि जो आए थे, उनको भोजन दीन। इस विध कृपा प्रभु जी कीनी, व्यथा मुनि की सब हर लेनी। ऋषि मुनियों को दर्शन दीने, धन्य सकल तपस्वी कीने। संग राम को तब वेले, लौटे मार्ग वायु गहे। उच्च गगन में प्रभु पधारे, दृश्य दिखाए मग के सारे। नीलमणि महादेव को देख, कैलाश गिरी कुछ देर से पेख। प्रभु भय समाधि में लीन, ध्यान में राम लाल तल्लीन। क्षण मास की समाधि लागी, सुधि ईश की ईश में पागी। दीर्घ काल समाधि में बैठ गए जब नाथ। राम लाल गुरु सेव में रहा उन्हीं के साथ। सेवा कर्म राम कर पावे, चित्त समाधि में भी लावे। वृत्तियां निज वह इमी समेटे, कछुआ जैसे अंग लपेटे। ध्येय में कर वृत्ति तल्लीन, बन ध्याता समाधि में लीन। तन की सुधि सकल विसरावे, घाम शीत से मुक्ति पावे।
वश में करके क्षुदा पिपासा, त्यागे योगी जग की आसा। गुरु चरणों को सब कुछ जाने, संशय मन में लेश न आने। जब वह योग को ले अपनावे, गुरु कृपा से समाधि पावे। योगी करे अभ्यास निरंतर, बढ़ावे समाधि को हो तत्पर। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय। शरणम 83। 15 दिन के पश्चात श्री प्रभु जी का समाधि से उत्थान और रीछ द्वारा केले अर्पण। ध्यान बढ़ाया राम ने, हुए समाधि लीन। 15 दिवस बिताए गुरु सागर मन मीन। उठे ध्यान से राम सुजान, देखा हिम से भरा जहान। ढूंढन चले राम कंद मूल, परिश्रम भया सकल निर्मूल। कहीं भी कंद मूल ना पाए, दृष्टि में थी हिम ही आए। राम आए फिर हुए निराश, अन्न पाने की त्यागी आश। मन में निश्चय यह कर पावे, समाधि में ही फिर लग जावे। ध्यान में जब सुरत खो जावे, सुदीक शुदा की लेश न आवे। सोच इमी जब आसन लीना, समाधि का था निश्चय कीना। महाप्रभु ने कीनी दाया, एक रीछ था दौड़ता आया। पास राम के आय कर, रीछ उठाया हाथ। समर्पित केले कीने, लाया था जो साथ। केले भेंट चढ़ाय कर, मुड़ गया वह जीव। आँखों से ओझल भया, माया प्रभु अजीव। धन्य धन्य गुरु राम उचारा, चील केला उन मुख में डारा। गुरु कृपा उन ध्यान में लाई, गुप्त प्रकट जो करे सहाई। जीव बैठा हो जब निसहाय, जग की आस सकल विसराय। निराश घड़ी में गुरु पधार, शिष्य दुखी को लेत संभार। गुरु की महिमा अपरंपार, जग ना पाए उसका पार। राम के लोका भोग लगाया, गुरु कृपा से चित्त विकसाया। क्षुधा मिटी राम हर्षाये, दशम द्वार फिर श्वास चढ़ाए। निर्विकल्प समाधि अभ्यास किया, राम रह सदगुरु पास।
समाधि में तब राम को प्रकट भया शुद्ध ज्ञान। यह भी लौकिक बात है, बोध पाए भगवान। राम सदा शुद्ध बुद्ध स्वरूप, लेश ना जिनका रंग वारूप। वहां अज्ञान का कहां स्थान, सूरज में नहीं तम का भान। देह धारण मर्यादा जान, राम ने पाया गुरु से ज्ञान। योग समाधि में लग जावे, जग को शिक्षा यह दे पावे। शुद्ध ज्ञान तभी नर पावे, गुरु से जा जब योग कमावे। योग बिना सब श्रम अधूरा, कभी मिले ना ज्ञान जो पूरा। दिव्य योग को राम ने साधा, गुरु चरणों का संग आराधा। योग मर्यादा जग में थापी, देव लोक में ख्याति व्यापी। समाधि खोली राम जब, भय सेव में लीन। सेवा में गुरु धाम की, तन मन अर्पण कीन। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय। शरणम 84 श्री महाप्रभु जी की गुफा के पास मंडप निर्माण की सेवा। श्रम कठोर राम ने कीना, सेवा में जब मन उस देना। राम ने मन में किया विचार, यहाँ एक मंडप करूं तैयार। समाधि से उठ प्रभु विराजे, ऋषियों मध्य जहां वे साजे। मन में ऐसा निश्चय धार, स्फटिक शिला का किया भंडार। सुंदर स्फटिक शिला जो लाई, भूमि समकर सबे बिछाई। उज्ज्वल चौक हुआ तब त्यार, छत डालूं तब किया विचार। खंभे चारों ओर लगाए, स्फटिक शिला के परम सुहाए। स्फटिक शिला की छत तब डारी, जिसमें श्रम लगा बहु भारी। महाप्रभु की सेव में हुए सफल थे राम। दिव्य मंडप निर्माण में उच्च हिमालय धाम। सुंदर मंडप बना एक ऐसा, देवलोक से उतरा जैसा। देवलोक से देव निहारे, भक्ति राम की को सत्कारे। देवों के अधिदेव जो राम, सेव करें आ गुरु के धाम। परिश्रम में ना श्रम को माने, निज तन को गुरु का तन जाने।
सेव करें व ध्यान लगावें। सकल काल वे इमि बितावें, अहर्निश सेव करें भगवान। करके राम गुरु का ध्यान, छह मास फिर बीतन आए। गिन गिन कर क्षण राम बिताए, कंद मूल बहु राम जुटावे। ऋषि मुनि जिमि भोग लगावे, बहुविध राम कीन थी त्यारी। समागम होए जिमि सुखकारी, छह मास के बाद जब होले प्रभु जी नयन। आन लगे बहु योगी जन, उचरन जय जय बयन। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय। शरणम 85। श्री प्रभु जी का पुनः 6 मास बाद समाधि से उत्थान और दिव्य योग समागम। स्वागत राम ने उनका कीना, मंडप में शुभ आसन देना। महाप्रभु भी आन पधारे, ऋषियों ने शुभ पग सत्कारे। कंद मूल तब राम ले आए, सब संगत ने भोग लगाए। राम की सेवा सब मन भाई, हर्षित भई ऋषि समुदायी। भोजन कर आचमन को कीना, आसन निज निज सब ने लेना। प्रभु चरणों में राम आसीन, प्रभु की सूरत में मन मीन। बैठे समस्त ऋषि चहु ओरा, सन्मुख प्रभु राम एक छोरा। सबकी दृष्टि प्रभु पर लागी, प्रभु दृष्टि थी राम अनुरागी। वह साध फिर आ गया, जिसे मिले थे राम। बोला था ना राम से, रहा बैठा उपराम। आते ही उस शंका कीनी, गर्व भरी वाणी कह देनी। शंका उस ऐसी जतलाई, प्रभु के मन जो लेश न भाई। किया राम को प्रभु इशारा, शंका का तुम करो निवारा। तभी क्रोध में वह जन पागा, बात प्रभु को कहने लागा। कल का बाल क्या देगा ज्ञान, वयोवृद्ध हम तपी सुजान। सुनी प्रभु जब उसकी वाणी, कहा सुनो तुम वृद्ध सुजानी। मत तुम इसको बालक जानो, ज्ञानी परम इसे पहचानो। ऐसा प्रश्न नहीं जग माही, मिले ना उत्तर इसके ताही। प्रश्न पूछ कर देख लो, यदि न हो संतोष,
हमसे उत्तर पाओ तब धारो ना मन रोष। बोला वृद्ध तपी तब बात बताओ शीघ्र तुम ममतात। ज्ञान तो नर को क्षण में होवे योग में क्यों नर जीवन खोवे। नर वेदांत लेवे जब जान पावे क्षण माही पूर्ण ज्ञान। वेदांत सूर्य माया अंधियार सूरज ना से तम प्रसार। सुनी राम ने उसकी वाणी भ्रांत मति से जो उपजानी। यौगिक तथ्य ना उस पहचाना माना वह जो मन अनुमाना। राम ने मन में गुरु को धार कीना उसका दृढ़ प्रतिकार। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय। शरणम छियासी। ज्ञान और मोक्ष का एकमात्र साधन योग। वेद के अंत में है जो ज्ञान उसको लो वेदांत तुम जान। अंतिम ज्ञान वही नर पावे पूर्ण शिक्षा जो अपनावे। चित्त एकाग्र बिन किए पाना चाहे ज्ञान यह असंभव बात है। निश्चय से लो जान। चंचल है यह मन बड़ा कही गीता में बात। बिन अभ्यास के ना सदे मन का तो उत्पात। वेद व्यास ऋषि जो भारी जाने वेद की विद्या सारी। उनका कथन यही महाराज योग बिना ना पूर्ण काज। योग बिना ना होवे ज्ञाना ज्ञानी से बड़ योगी माना। पाठी कर्मी और तपस्वी इनसे बढ़कर योगी मनस्वी। नेत्र बिना जिमि नजर ना आवे योग बिना तिमि ज्ञान ना पावे। ऐसा देखा सुना ना कान योगी बिना जिस पाया ज्ञान। ब्रह्म विद्या जिसको तुम मानो योग बिना निष्प्राण वह जानो। मनन बिना वेदांत व्यर्थ मनस्वी योगी सर्वसमर्थ। ज्ञान को हो यदि पाना पाना हो निर्वाण। धारो साधन योग का उत्तम इसको मान। शास्त्रों के प्रमाण से कीना राम स्पष्ट। योग बिना ना मोक्ष हो ना भव भी नष्ट। प्रमाण राम ने बहुविध दीने
शास्त्रों से थे वे सबली ने, अपनी मति राम जतलाई, जिस विद थी गुरु आज्ञा पाई, प्रमाण राम से सुन सब भारे, ऋषियों ने शुभ वचन उचारे। ऋषिजन उवाच, जय नाथ हे शिव अवतारी, करें दासन पर कृपा भारी, मूक को तुम करत वाचाल, कृपा पात्र तव ब्राह्मण बाल, जो कुछ कहा इस सब है ठीक, योग धर्म की खींची लीक, मार्ग योग है सर्व प्रधान, इसके ना कोई और समान, आयु दीर्घ योग से होवे, ध्यान से जन निज मन को धोवे, ध्यान बढ़ाए समाधि पावे, पर ब्रह्म में जीव समावे, समाधि के अभ्यास बिना चाहे आत्मज्ञान, उस नर का हम क्या कहें, वह तो परम अज्ञान। तपी सुनी मुनियों की वाणी, निज मन में उस मानी गलानी, किया कोप उस वचन उचारे, लगे अप्रिय प्रभु को भारे। श्री महाप्रभु उवाच, प्रभु ने आज्ञा तभी सुनाई, योग निंदक ना यहां सुहाई, पावन हिमगिरि से गिर जाओ, जग में जाकर तुम दुख पाओ, महाप्रभु जब वचन उचारे, उसको लगे वज्र सम भारे, उसका हाल कथा ना जाए, वह उन्माद ग्रसित लख पाए, वहां से भाग गया तत्काल, निज कर्मों से भया बेहाल, जो जन जैसा कर्म कमावे, वैसे ही वह फल को पावे, योग निंदक जो जन बसे, और योग से हीन, जग में उसको सुख कहां, सदा रहे वह दीन। शांत मुद्रा में प्रभु विराजे, राम लाल संग उनके साजे, ऋषि एक ने प्रश्न उठाया, अपने मन का भाव जताया। श्री प्रभु राम लाल जी की जय, शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय, शरणम।